प्रियो दिनदरदी भाई बोनेर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। प्रिय दर्शक, सूफीवादीर चूड़ान्त लक्ष्य आल्लाह सान्निध्य लाभ करा। और ये लक्ष्य के सामने रेखे परम सत्तार साथे मिलने तृष्णाता के सकल प्रकार पार्थिव प्रलोभन और इंद्रिय शक्ति थेके मुक्त हुए इंसाने कामेल बा परिपूर्ण मानुषत्वेर साधनाय उद्बुद्ध करे। और एर जन्य ओई सूफीवादी मौलिक किछु नीतिमाला स्थान पेयेछे, जेगुलि परम सत्तार साथे मिलनेर जन्य कार्यकरी भूमिका पालन करें। तार मध्ये एकटी हलो तौबा। तौबार अर्थ मूलत प्रत्यावर्तन, अर्थात पाप बर्जन करे पापेर दिके अग्रसर ना हवार प्रतिज्ञास्वरूप आल्लार दिके फिरे आसाई हलो तौबा। किन्तु सूफीवाद अनुसारे जगतेर सकल किछु थेके आल्लार दिके प्रत्यावर्तनई हलो तौबा। द्वितीयटी हलो तावाक्कुल। सर्व अवस्थाय आल्लार ऊपर निर्भर कराई हच्छे तावाक्कुल। आल्लार ऊपर पूर्ण निर्भरशीलतार माध्यमे आत्मशक्तिर विकाशई हलो सूफी साधनार लक्ष्य। मानुषेर मध्ये एकई साथे निम्न पाशविक वित्तीय जेमन आछे तेमनी आछे उच्चतर प्रज्ञा, आर जेटार कारणे मानुष फेरेश्तार थेकेओ श्रेष्ठ बोले प्रतीयमान हय। किन्तु निम्न प्रवृत्ति मानुषेर आत्मशक्तिर विकाशे बाधा हये दाड़ाय। ए प्रवृत्ति समूहके नियंत्रण करे आल्लार शरणे मशगुल हये सम्पूर्णभावे आल्लार निकट समर्पित होते हय। तीन नम्बर हलो परिवर्जन। सूफी साधकगण पार्थिव सुख और विलासिता त्याग करे आल्लार प्रेमे मशगुल थाकेन। सूफी साधक निजामुद्दीन आउलिया बोलेन, स्वल्प आहार, स्वल्प कथन, स्वल्प मेलामेशा और स्वल्प निद्रार मध्ये निहित आछे मानुषेर पूर्णता। परेर मौलिक नीतिटी हलो सबर बा धैर्य। दुःख कष्ट विपद और आल्लार परीक्षाय मनेर भारसाम्य रक्षा करे चलाई हलो सबर। तबे आमादेर दुई धरनेर सबर करते हय। एकटा हलो दैहिक कष्टे धैर्य धारण, अपरटी प्रवृत्तिर ताड़नाके धैर्येर साथे नियंत्रण। ए दुटी जिनिस नियंत्रण करते पारले साधनार पथे अनेकटाय अग्रगामी हवा सम्भव। सूफीवादीर पंचम मौलिक नीतिटी हलो आनुगत्य। प्रिय दर्शक, सूफी साधक प्रथमे कोनो मुर्शिदेर निकट पूर्ण आनुगत्य प्रकाश करें एवं सेई अनुयायी काज करें, जेटा तार आल्लाते समर्पित हवार प्रशिक्षण हिसाबे गण्य हय। एरपर रयेछे इखलास बा पवित्रता। सूफीवादे नीतिगुलिर मध्ये एटी हलो एकटी अन्यतम मौलिक नीति। सूफीवाद अनुसारे हृदयेर पवित्रता ओ विशुद्धकरणेर माध्यमेई आल्लार सान्निध्ये आसा सम्भव। तार जन्य केवलमात्र बाह्यिक पवित्रता उजु गोसल द्वारा सेटा कखनोई सम्भव नय। पवित्र हृदये आल्लार नूर विकसित हय। हृदयेर अपवित्रता बान्दाके आल्लार काछ थेके दूरत्व बाड़िये देय। सूफीवादी परेर मौलिक नीतिटी हलो इश्के आल्लाह बा आल्लाह प्रेम। सूफीवादी प्रधान वैशिष्ट्य हलो आल्लार प्रति भक्ति ओ प्रेम। तारा सर्वदा आल्लार सान्निध्य पावार जन्य व्याकुल थाकेन। परेर मौलिक नीतिटी हलो जिकिर। जिकिर बा सर्ववस्थाय आल्लार स्मरण रखाके आल्लार पथे कार्यकर प्रचेष्टा बोले गण्य करा हय। शारीरिक अंगभंगी और विशेष धरनेर श्वास प्रश्वास ग्रहणेर माध्यमे उच्चस्वरे बा मने मने आल्लार महिमा प्रकाशक बाणी उच्चारण कराई हलो सूफीवादेर जिकिर। एवं शेष मौलिक नीतिटी हलो कासबा अतीन्द्रिय अनुभूति। कासफेर माध्यमेई आल्लार सम्पर्के वास्तव ज्ञान लाभ करा जाय।
কাসফ কি এবং কাফসের তালিম কিভাবে নিতে হয় এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে আই বাটনে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখতে পারেন। এই কাসফের মাধ্যমেই আল্লাহ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করা যায়, যেটা প্রজ্ঞা বা ইন্দ্রিয়ে দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়। আর এই পর্যায়ে সুফিগণ নিজেকে আল্লাহর অসীমতায় হারিয়ে ফেলেন, তার বাহ্য জ্ঞান লোপ পায়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে তিনি অন্তর্লীন হয়ে থাকেন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে তিনি অন্তর্লীন হয়ে থাকেন। প্রিয় দর্শক, এছাড়াও কৃতজ্ঞতা, ফানা ও বাঁকা এগুলিও সুফিবাদের অন্যতম নীতিমালা। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন সঙ্গীত বা শামা মানুষের অন্তরে সুপ্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে সক্রিয় করতে পারে। আর ফানা ও বাঁকা কিভাবে তা হাসিল করতে হয় এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে স্ক্রিনে বাম দিকের ভিডিওতে ক্লিক করে দেখতে পারেন। আর মারেফাত কি এবং মারেফাত গোপন কেন এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে স্ক্রিনে ডান দিকের ভিডিওতে ক্লিক করে দেখতে পারেন। আশা করি বিষয়টি বোঝাতে পেরেছি। সবাই ভালো থাকবেন। জয় গুরু।